हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है, हमने केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू को कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे गाइस। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले SSC CGL CHSL NTPC रेलवे ग्रुप डी और ख़ासतौर पर जो उत्तराखंड में वन दरोगा हो रहा है उसके लिए। गाइस, ये है हमारे केमिस्ट्री का पार्ट फोर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? द स्कैटरिंग ऑफ विच रे कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, गामा, बीटा एंड अल्फा। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो अल्फा रे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा किरण। अल्फा किरण के प्रकीर्णन से हम बता सकते हैं कि नाभिक का, किसी भी नाभिक का आकार या साइज कितना है। बात करें अगर अल्फा रेज की, तो अल्फा रेज की जो हमारी क्या की गई थी, खोज की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? रदर फोर्ड के द्वारा। कब की गई थी? 1899 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो अल्फा रेज होती है गाई, जिसमें 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कॉल्ड? पहला दिया हुआ है कोयला गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस। तो गाइस अगर बात करें हम अपने कोल गैस की, तो कोल गैस क्या होती है आपका? हाइड्रोजन प्लस CO प्लस CH4। ठीक है, फिर और भी एथिलीन और ये गैस होती है, बट मेन जो गैसेज होती है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH4। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो जो गैस होगी वो क्या होगी? कोल गैस। बात करें अगर वाटर गैस की, तो वाटर गैस में आपका होता है CO प्लस H2। ठीक है, अगर बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2। और प्राकृतिक गैस की बात करें, तो जो हमारी नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स होंगी, जैसे कि मीथेन कह सकते हो आप। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कौन सी गैस होती है? ये वाटर गैस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो कौन सा ऐसा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, रह सकता है? तो गाइस अणु, धनायन, परमाणु और इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? एटम। ठीक है, डाल्टन ने क्या बताया था 1808 में, इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसमें बोला इन्होंने कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और इस छोटे भाग को, इस परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उससे रिलेटेड था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का मुख्य घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो गाइस पहले तो मीथेन आया है यहाँ पे। इनके फॉर्मूलों की बात करें, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, एथेन की बात करें तो C2H6। प्रोपेन में 3 कार्बन हो जाएंगे आपके, C3 हो जाएगा। ब्यूटेन की बात करें तो कार्बन क्या हो जाएगा? 4। गाइस मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला, अगर एल्केन हो कहीं पर भी, ठीक है, केन या एन ग्रुप हो। अब एन में क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला मीथेन, एन आया है तो सिंगल बॉन्ड होगा। आप फॉर्मूले में सी की जगह वैल्यू 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2। क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका? C2H4। अगर ऐसे ही गाइज आपसे बोले ईन, ईन का मतलब क्या होता है, जैसे वो बोल दे एथीन, प्रोपीन, मतलब डबल बॉन्ड से होता है। ठीक है, जब भी ईन लगेगा लास्ट में किसी के, तो डबल बॉन्ड की बात हो रही होगी। इसका तो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ऐसे ही थर्ड आपने पढ़ा होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? आइन बोला जाता है। ठीक है, जैसे ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो नॉर्मली अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब आप इस फॉर्मूले में बस 2 2 माइनस कर दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला है। डबल बॉन्ड के लिए पूछेगा
तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा आपका, टू माइनस हो जाएगा, तो एच टू एन प्लस टू माइनस टू कैंसिल, एच टू एन बचेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बोले तो क्या हो जाएगा, सी एन एच टू एन माइनस टू। तो ये होगी इन्फॉर्मेशन। अब हमसे क्या पूछा है, नेचुरल गैस के बारे में बात चल रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन वेव नेचर, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन एंड लीनियस। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या किया था, 1924 में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। ठीक है, कौन से प्रकृति की, वेव नेचर की क्या की थी, खोज की थी। इन्होंने बोला मैटर हैज ड्यूल नेचर, कोई भी मैटर है तो उसका क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा, एक वेव, ठीक है, और दूसरा क्या, पार्टिकल। जो वेव होगा ये आपके मोशन में होगा, ठीक है, जब कोई भी बॉडी पार्टिकल मूव करेगा तो वो वेव प्रकृति को शो करेगा। पार्टिकल जब कोई भी मैटर क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, तो पार्टिकल नेचर को क्या करेगा, शो। वेव की अब अगर हम बात करें मूवमेंट वाला, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो होता है वो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, एन इंडियन साइंटिस्ट हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक बेस पार्टिकल, ओके, बोस, रमन, साहा, चंद्रशेखर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोस। हमने पढ़ा है बोस आइंस्टाइन, जब पांच टाइप के हमने क्या पढ़े थे, स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। तो बोस आइंस्टाइन वाली हो जाएंगे आपके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह हैं, द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स डेट आर प्रोड्यूस्ड बाई द कम्बस्टन ऑफ मैग्नीशियम आर, एसिडिक, नेचुरल, बेसिक, ऑल। तो गाइज बात चल रही है मैग्नीशियम की, Mg, ठीक है, जब इसको क्या कर दिया जाता है, जलाया जाता है, कम्बस्टन किया जाता है इसका, तो क्या बनेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी नॉर्मली हम किसी भी क्या करते हैं, धातुओं को क्या करा जाता है, कम्बस्ट जलाया जाता है, ठीक है, दहन किया जाता है उनका, तो नॉर्मली जो बनता है वो क्या बनते हैं, क्षार बनते हैं। ठीक है, जैसे आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे बनेगा, क्षारी, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, ऑप्शन विल बी आंसर सी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से किसमें अधिकतम उष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक, मैक्सिमम थर्मल वैल्यू, ठीक है, हाइड्रोजन, लकड़ी का कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो गाइस जो हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उष्मीय मान होता है, वो किसका होता है आपका, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, यूनिट की बात करें तो किलो जूल पर केजी, ठीक है, या किलो कैलोरी पर केजी, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। ठीक है गाइस, बोल रहा है कि कोई भी मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, टेंस कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो उसकी वो क्या दिखाएगा, टेंसाइल नेचर को दिखाएगा ना, हार्डनेस, मेलेबल, कंडक्टिविटी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेंसाइल, तन्यता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, चैडविक, न्यूटन, फेराडे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गाइज एक सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा, ईट पर नाच। ठीक है, पता होगा आई थिंक आपको, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो गया क्या, थॉमसन, ठीक है, थॉमसन होता है वैसे, पॉ से हो गया क्या आपका, प्रोटॉन, और रॉ से क्या हो गया, रदरफोर्ड, नौ से क्या होगा, न्यूट्रॉन, चौ से क्या हो जाएगा आपका, चैडविक। अब देख लीजिए हमसे क्या पूछा है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज कौन आ जाएगा, चैडविक, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ई टॉ, टॉ से क्या, थॉमसन, जे जे थॉमसन, तो जे जे थॉमसन हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ चार्जलेस पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज बात चल रही है हमारी क्या, चार्जलेस पार्टिकल, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6
सिक्स इंटू 10^-19 कूलाम। ये कूलाम क्या होती है गाइज, आवेश की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो सेम आवेश होता है, पर ये किस में होता है, नेगेटिव में। न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे क्या होता है, जीरो आवेश होता है, ठीक है, कोई भी आवेश नहीं होता। गाइज याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, नाभिक में क्या पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपका क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और जो बाहरी कक्षा होती है, ठीक है, ये अगर हमारा नाभिक है तो इसके बाहर जो कक्षा होती है इनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत एटॉमिक एटॉमिक थ्योरी की खोज की? तो गाइज बात चल रही है एटॉमिक थ्योरी की, तो अभी अभी ऊपर पढ़ा था हमने क्या, 1808 में, ठीक है, डाल्टन ने क्या की थी, परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसी पे इन्होंने क्या बताया था, जो परमाणु होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। बात चले गाइज ये कहना चाह रहा है, अगर हम आयरन पे क्या करें, भाप, भाप मतलब क्या हो गया, H2O, ठीक है, ये करें तो हमें क्या मिलेगा, तो फर्स्ट थिंग तो Fe2O3 मिल जाएगा, और साथ में क्या जाएगी हमारी जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, Fe3O4 बनेगा ना, यहाँ से Fe3O4 बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जनरली याद रखिएगा, जब मेटल्स, ये हमारी क्या होता है, आयरन को हम गर्म करते हैं, भाप डाली जाती है उसके ऊपर, तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड का कंपोनेंट निकलेगा। और दूसरा अगर पूछता है गैस कौन सी रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है उसमें, रिलीज होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयले के विभिन्न प्रकारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग होती है, इनमें से किस में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैव डिफरेंट परसेंटेज कार्बन, विच विल हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो गाइस कार्बन की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होगी जो सबसे अच्छे टाइप का क्या होगा, कोल होगा। ये कोल के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट। हमें पता है एंथ्रेसाइट कोयला सबसे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, कोल होता है। तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, हमारा कोल की, कार्बन की वैल्यू पाई जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, कोल होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, विच कंपोनेंट इज फॉर्म व्हेन कॉपर इज बर्नट इन एयर? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड, इनमें से। तो गाइज हमसे बोल रहा है जब हम कॉपर को क्या करें, वायु मतलब नॉर्मली O2, ठीक है, वायु की कम में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, CuO बनेगा, यही बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। गाइज ये अभी संतुलित नहीं है, वैसे अगर इसे करोगे तो कंप्लीट 2CuO हो जाएगा, 2CuO इस टाइप से बनेगी, बट एक जनरली अगर हमें याद करना है तो मैं बता रहा हूँ, अगर हम कॉपर को वायु पे ले जाएंगे, ठीक है, वायु मीन्स ऑक्सीजन होगी नॉर्मली उसमें, तो उसको जब कम रिएक्ट किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, अमोनिया, वायु, एयर, पारा, मरकरी, ये सभी। तो गाइज अगर बात करें कंपाउंड की, बात कर रहा है कंपाउंड क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को, ठीक है, एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो तब वो जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है अमोनिया। देखिए अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात मिला हुआ है ना इसमें, नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के तीन, ठीक है, यही है, तो इसी से हमारा क्या बन गया, अमोनिया। हम बात करें एयर की, तो एयर में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, एयर को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ये मिश्रण होगा, ठीक है, मिक्सचर होगा। पारा HG ये ऑलरेडी एक तत्व है,
ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट से और एक क्या दिखा रहा है, मिश्रण को दिखा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन कोल, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो गाइस जो लिग्नाइट होता है, ठीक है, जो हमारा लिग्नाइट होता है उसको क्या बोला बोला जाता है, भूरा कोयला कोयला या ब्राउन कोल बोला जाता है। ठीक है गाइज, ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, कोल के टाइप हैं। तो आपसे क्या होता है, तीन ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट, ये चार के चार क्या हैं, टाइप ऑफ कोल्स हैं। इनमें जो एंथ्रेसाइट है वो सबसे क्या होता है, उच्च कोटि का कोयला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, हु सेड दिस फर्स्ट, रदरफोर्ड, डाल्टन, कड़ात, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो भारतीय थे गाइज, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक प्राचीन टाइम के, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से क्या है, मिलकर बना है। तो उनका नाम क्या था, कड़ाद था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, व्हाट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिनी, टिन कॉल्ड, पीतल, ड्यूरालूमिन, कांसा या सोल्डर। तो गाइज बात करें अगर पीतल की, ठीक है, किसकी, पीतल की, तो पीतल को ब्रास भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रास। तो इसमें ये किससे मिलकर बना होता है, आपका कॉपर प्लस जिंक से, ठीक है। ये चार के चार ऑप्शन इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर ब्रास की बात करेगा, कॉपर और जिंक है तो उसे ब्रास बोला जाता है। ड्यूरालूमिन की बात करें तो ड्यूरालूमिन जो होता है ये एल्यूमिनियम एलॉय है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, इन चार का मिक्सचर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा 90% तक क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो ड्यूरालूमिन हो गया एल्यूमिनियम का एलॉय। बात करें अगर कांसे की, कांसा मतलब ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज में आपका क्या होता है, कॉपर प्लस टिन होता है, ठीक है। इसी में गाइज अगर कॉपर और टिन को हम 4:1 में मिलाएं तो हमारी जो बेल होती है, स्कूल्स में जो बेल बजाई जाती है ना, वो यही है, ये कांसे की बनी होती है, ठीक है। बात करें अगर नेक्स्ट सोल्डर की, ठीक है, किसकी, सोल्डर, आपने इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे अगर गए होंगे तो देखा होगा जो हमारा वो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या करता है, सोल्डरिंग आयरन में जो लगाता है ना, वही हो क्या होता है, आपका सोल्डर होता है। तो सोल्डर की बात करें तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, लेड प्लस टिन का, ठीक है। तो इतनी चीज़ इन्फॉर्मेशन हो गई, हमसे पूछा क्या, तांबा और टिन की बात चल रही है, ठीक है, कॉपर प्लस टिन की, तो कॉपर और टिन क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये हो गए 20 क्वेश्चन हमारे, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज अपनी पार्ट 5 पे। आई होप कि वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर आपने इससे पिछले के हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप देख सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।